ऑल ऑफ यू, तो चलिए मैथ मेनिया की एक्टिविटी वाली बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 5858 ओपन कीजिए। प्लस करना है हमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 और 0 में, 0 में क्या प्लस करेंगे, तो 8 ही आएगा यहाँ पे। 2 प्लस 5 है, 2 और काउंट कर लेंगे, 1 2, छोटा डिजिट होता है तो हाथ पे भी उंगली पे भी आप इसे काउंट करके कर सकते हैं। 5 है, 2 है, 6 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 9 0 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 2 प्लस 7, 7 है, 8 9, 8 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 0 प्लस 0, तो यहाँ 0 ही आएगा, 0 लिखेंगे। 2 प्लस 3, 1 2, यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ओके, अबे 4 प्लस 4, 1 2 3 4, प्लस 4 है, 5 6 7 8 लिखेंगे आप यहाँ पे। 3 प्लस 6, 3 को छोटा डिजिट जो होता है मैंने बता चुका है आपको, जो छोटा डिजिट होता है उसी को काउंट करिए ताकि आपको आसानी से काउंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। 1 2 3, 6 के बाद 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 1 प्लस 1, 1 के बाद 1 और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2। 3 प्लस 3, 1 2 3 काउंट कर लेंगे, 3 के बाद 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6। 6 0 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 3 प्लस 6, 1 2 3 यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 6 के बाद उसे प्लस कर देंगे, 6 7 8 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8। 4 प्लस 4 8, मैंने यहाँ पे बताया है आपको, 4 प्लस 4 8। 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6। 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, प्लस कर सकते हैं इस तरह से भी, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। 4 प्लस 4, 5 प्लस 5, 3 प्लस 3, इस तरह से आपको प्लस करना भी आना चाहिए। तो 2 प्लस 2 4, ठीक है। 7 प्लस 0, तो 7 होगा यहाँ। 3 प्लस 5, 1 2 3 काउंट कर लेंगे, 5 के बाद 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। इस तरह से पेज नंबर 58 को कंप्लीट करेंगे आप। पेज नंबर 58 में प्लस करना है आपको, केयरफुली आप इसे प्लस करेंगे। अब आइए पेज नंबर 59 में। पेज नंबर 59 में आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ये आपका होमवर्क है पेज नंबर 59, इसे भी आपको प्लस करना है। यहाँ पे 3 है और 0 है, तो यहाँ 3 ही आएगा, ये चीज़ आपको पता है। माइनस में भी अगर 3 माइनस 0 रहता है तो 3 लिखते हैं, और प्लस में भी अगर 0 आता है तो जो नंबर होता है वो लिखते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरह से आपको सारा प्लस कर लेना है पेज नंबर 59 में। केयरफुली आप प्लस करेंगे। ओके, बाय।